नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों, मुरली धाकर जी लिखते हैं, मेरे दांत टूटने के 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक नहीं आए, क्या प्रॉब्लम हो? तो मुरली धाकर जी, ये हमारे हार्मोन्स एवं उम्र पर ये डिपेंड करती है। अगर आपकी उम्र 7-8 साल है, 8-9 साल है, तो ऐसे में दांत आपके वापस आ जाते हैं टूटने के बाद, क्योंकि दूध के दांत टूटते हैं, दूसरे दांत आ जाते हैं। अब उस उम्र के बाद, जब दूध के दांत के बाद जो मेन दांत आते हैं उनके टूटने के बाद, तो आपके दांत आने में बहुत समय लगेगा। और ऐसे में आपको अगर दांत चाहिए तो टाइगोलूसी का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दांत आपके जड़ से नहीं टूटते, उनकी जड़ अंदर रह जाती है और उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है। ऊपर से जो मसूड़े होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो वो दांतों को बढ़ने भी नहीं देते। ऐसे में एक्सरे कराकर देखा जा सकता है कि आपके दांतों की जड़ में ग्रोथ हो रही है या नहीं। डॉक्टर जो डेंटिस्ट जो होगा वो देखकर बता देगा एक्सरे से कि आपके दांत बढ़ रहे हैं, पर स्लो स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर डेंटिस्ट क्लियर कर देता है कि आपके दांत स्लो स्पीड से बढ़ रहे हैं, तब उस जगह पर जहाँ पर वो मसूड़ा है, क्योंकि मसूड़े के अंदर दांत है, तो आपको मसूड़ों पर अधिक से अधिक प्रेशर देना है। जैसे पेंसिल चबा लो या रबड़ का कोई चीज़ चबा लो, ऐसी चीज़ चबाना है जिससे मसूड़ा घायल ना हो, उसमें जख्म ना हो जाए। बस उस पर अधिक से अधिक जोर ज़्यादा समय तक देते रहे, मतलब जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो मसूड़े के नीचे कुछ चबाना शुरू कर दे, मतलब वो प्रेशर देना है जिससे एक मैसेज जनरेट होगा और टीथ तेजी से ऊपर की तरफ आएगा और उसकी स्पीड भी रैपिड हो जाएगी और वो मसूड़ों को फाड़ कर वापस आ जाएगा और आपका दांत पूर्ण दांत का आकार ले लेगा। यही प्रॉब्लम होती है जिसके कारण आपके दांत नहीं आ रहे हैं, या तो मसूड़े आपके ज़्यादा मजबूत हैं, या फिर आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, या फिर आपकी एज ज़्यादा है, या फिर खान पान में अंतर है। इन सब से ही आपके दांत की ग्रोथ निर्भर होती है। तो मुरली धाकर जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।